नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसालों के बिजनेस के बारे में। कैसे आप मसालों का बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप आज की डेट में कोई ऐसा बिजनेस है जिसे हम सोचें और वो मार्केट में चल ना रहा हो, लेकिन वहीं पे हम सोचते हैं भाई ऐसा कोई सिंपल सा काम हम शुरू कर लें जो कम पैसों में स्टार्ट हो जाए, और कम पैसों में स्टार्ट करके हम उसमें पैसे भी कमाने लगें, हमारा काम भी चलने लगे और फिर धीरे धीरे हम उसको ग्रो करते रहेंगे। तो मसालों का बिजनेस, मसाले पैकिंग का बिजनेस, एक ऐसे बिजनेस की आज बात करेंगे जो बहुत ही सस्ता है, बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हैं और उसको करके आप महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या करना है आपको, आज बात कर रहे हैं मसालों के बिजनेस के बारे में। आप जानते हैं भैया, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मसाले बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस चीज़ कहलाती है, यानी कि सब्जी है, सब्जी बनी है तो अगर उसमें मसाले नहीं तो भैया कोई मतलब नहीं। कोई भी आइटम हो, चाहे आज के डेट में कुछ भी फास्ट फूड हो, मसाले ज़रूरी होते हैं। चाहे आप पुलाव, बिरयानी, वेज, कुछ भी आइटम खाओ ना, मसाले तो लगेंगे। तो मसाले अब यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, या तो आप खड़े मसाले बनाओ या तो आप पिसा हुआ मसालों को पीस के, जिसको बोलते हैं गर्म मसाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम खड़े मसालों की पैकिंग की बात करते हैं जिससे आप कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। खड़े मसाले का बिजनेस कैसे आप कर सकते हैं, खड़े मसाले यानी कि आप जानते भैया जिसमें चैली पत्ता, छबीला, डोड़ा, मिर्च, लौंग, ये सब चीज़ें आती हैं ना, इसको खड़ा मसाला बोलते हैं, यानी कि बिना पिसे हुए मसाले को हम खड़ा मसाला बोल सकते हैं। अब इसे हम कैसे इस पर बिजनेस कर सकते हैं, आप देखते हैं कि भाई मार्केट में ऐसी कई शॉप होती हैं जहाँ पे हम खड़ा मसाला लेने जाते हैं तो 10 रुपए का भी पैकेट मिल जाता है, 20 का भी पैकेट मिल जाता है और 50 का भी हमें पैकेट मिल जाता है, क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो भाई अब देखो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप इसका बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना ये है कि आप कुछ इस तरह से पैकिंग मटेरियल आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। पैकिंग मटेरियल में आप इस तरह की पॉलीथीन मार्केट में मिलती हैं, आप उन्हें खरीदें, और वैसे भी पॉलीथीन भैया बैन हो रहा है तो आप कागज़ की चीज़ें अपना सकते हैं, ठीक है, कागज़ की बैग्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जो प्लास्टिक है वो इतना ज़्यादा भी बैन नहीं हुआ। आप इन मसालों में इन पन्नियों का यूज़ कर सकते हैं, है ना, इन पन्नियों का यूज़ करके आप पैकिंग का काम शुरू करवाएं, यानी कि मसालों को 10 रुपए का पैकेट बनवाएं, 20 का पैकेट बनवाएं, 30 का, और इनको फिर मार्केट में सप्लाई करना है ना। तो आपको पैकेट बनाने के लिए आपको एक ब्रांड रखना पड़ेगा, आपका खुद का ब्रांड, कि आप कौन सा ब्रांड का मसाला बनाना चाहते हो। आप एक नाम ज़रूर रखें, जैसे कि सिवाय गोल्ड मसाले, कुछ भी नाम रख सकते हैं, अमृत गोल्ड मसाले, ऐसे करके आप एक नाम बना लें, और ठीक है, नाम बनाने के बाद आप उनको पैक करवाना शुरू करें। 2-3-4 वर्कर रख लें, लेडीज़ रख लें, वो कम पैसों में मिल जाएंगे आपको, और उनसे बोलें कि भाई आपको ये पैकिंग करना है और ये चीज़ें बनाते जाना है। जब ये लेडीज़ लोग अपना काम शुरू कर देंगे, आपका मसाला जो है पैक होने लगेगा, है ना, आपकी ब्रांडिंग लगने लगेगी, फिर आप जो है उन मसालों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में। मार्केट में आपको क्या करना है, सेल करने की भी तकनीक बताऊँगा। पैकिंग बहुत ही इजी है, आप ऐसे 2-3 मशीन आते हैं जिनको पैक करने के लिए, या फिर आप स्टेपलर के थ्रू पैक कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका उसमें टैग लगा होना चाहिए, है ना। अब इसमें लाइसेंस की भी बात करेंगे आगे और सेलिंग की भी बात करेंगे। लाइसेंस कौन सा लगता है पहले ये जान लें, आपको इसमें फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि FSSAI का एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि भाई हम जो है पैकिंग कर रहे हैं मसालों की। तो देखो, आप मार्केट में जो है बल्क में मसाला खरीद के लाएंगे, यानी कि आप स्टार्टिंग में 10-10 किलो सारी चीज़ें लेके आ जाएं, ठीक है, 10-10 किलो आप लेके आ जाएंगे सब कुछ। अब उनको थोड़ा थोड़ा करके पैक कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का ऐसी क्वांटिटी पैक करें जिसमें हमें बनाने में खर्चा आए 5 रुपए खर्चा आता है और वो बिकता 10 रुपए का है, तो आप 5 रुपए में उसको बनाएंगे, 7 रुपए में आप होलसेलर को बेचेंगे और होलसेलर जो है 10 में बेचेगा, यानी 3 रुपए वो प्रॉफिट कमाएगा, 2 रुपए आप, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ना आपको काम जो है करते जाना है। अब यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको FSSAI का एक लाइसेंस बनवा लेना है, सिंपली वो लाइसेंस आपका बन जाएगा जिससे आप मसाले जो है पैक करके बेच सकते हैं, ठीक है, लाइसेंस भी हो गया। अब सेलिंग के लिए मैं बताता हूँ, जो होलसेलर वाले हैं ना, आप अपने एरिया में बड़े बड़े होलसेलर लोगों को पकड़ें, होलसेलर वाले लोगों को, होलसेलर शॉप को पकड़ेंगे, तो होलसेलर आपसे जो है मसाला लेंगे, मसाला खरीदेंगे, ठीक है, उनको बोल दो भाई आप ये रखें, इनको सेल करवाएं हमारी कंपनी का, उनसे थोड़ा बात करें, अच्छा प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट ज़रूर बिकेगा, और ऐसा करके ना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप क्या करें कि वहाँ पे जाके उन सब चीज़ों को आप हर एक होलसेलर को 10-10
पैकेट भेज दें कि भाई आप इन प्रोडक्ट को बेचो, पैसा आप बाद में देना, या फिर आप ऐसा कई लोग होते हैं जो दे भी देते हैं, कर सकते हैं। होलसेलर लोगों को जब आप बेचेंगे और धीरे धीरे आपका जब ब्रांड चलने लगेगा और फिर आप हर महीने उसमें से अच्छी खासी कमाई भी कर पाएंगे, वर्कर को भी पैसा दे पाएंगे और आप उसे एक बड़े लेवल पर भी फिर बाद में लेके जा सकते हैं, जिसमें बल्क में पैकिंग, बल्क में ट्रकों ट्रक माल आप भेजेंगे, तो भाई कितना फ़ायदा होगा खुद समझिए। तो इस तरह से ना आप अपनी पैकिंग की कंपनी बना सकते हैं। पैकिंग के लिए आप पॉलीथीन आपको ख़रीदना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं और ऐसे करके आप महीने की अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, मसाले पैकिंग के बारे में समझ में आया होगा, कैसे मसाले पैक करना है और ये सारी चीज़ समझ के आप बिज़नेस शुरू करें। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं ख़त्म और अगले पार्ट में हम बताएंगे गरम मसाले का बिज़नेस कैसे करेंगे। तो अगर आपने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बताया तो गरम मसाले का वीडियो भी ज़रूर हम बनाएंगे।